हम बात कर रहे हैं HFCL की। अगर आज के दिन की बात करें तो फिलहाल हमको 6% के अपसाइड के साथ ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त स्टॉक जो है 70.95 पैसे पर हमको ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। आज के दिन में हमको बड़ी बाइंग यहाँ देखने के लिए मिली है, क्योंकि हमने देखा कि कुछ दिनों से स्टॉक इसी रेंज में हमको कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आ रहा था, बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए नहीं मिल रहा था। तो उस बिहाफ पर हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि यहाँ से हमको बड़ी बाइंग देखने के लिए मिल सकती है, किसी भी वक्त हमको एक बड़ा जंप देखने के लिए मिल सकता है। और टारगेट के तौर पर हमने डिस्कस किया था 70 का लेवल, इसका तगड़ा रेजिस्टेंस जोन है और आज की डेट में उसको ब्रेकआउट देता हुआ हमको नज़र आ रहा है। यहाँ से हमको और तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। अभी इसकी क्लोजिंग जो है वो 70 के ऊपर आना इम्पॉर्टेंट रहेगा। मार्केट में भी बड़ी तेज़ी है तो HFCL में भी हमको और बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। यहाँ अगर गिरावट आती है तो मौका बन सकता है अगेन 70 के आसपास बाइंग का, क्योंकि हो सकता है स्टॉक अगेन 70 के लेवल को रिटेस्ट करके बाउंस बैक होता हुआ नज़र आ जाए। अब बात करें सपोर्ट की, तो इस वक्त 70 का लेवल इसका इमीडिएट सपोर्ट लेवल रहेगा, और अगर इसको ब्रेकडाउन करते आप करना तो मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि और इसमें हमको बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है और बड़ा जंप हमको आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन 70 के लेवल को ब्रेकडाउन कर जाता है तो 68 का लेवल इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनने वाला है। 68 का लेवल अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। अगर बात करें टारगेट की, तो आप इमीडिएट टारगेट रहेगा हमारा 74 का लेवल। इससे पहले जहाँ से स्टॉक ने हमको गिरावट दिखाई थी 74 का लेवल, और 74 के ब्रेकआउट के बाद हमको इसमें 80 तक के भी टारगेट शॉर्ट टर्म में ही HFCL में देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ हमको अभी और बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है।